आज हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन स्पेशल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप होम मेनू बार में फाइनेंस सिलेक्ट में गो टू स्पेशल आते हैं तो इसके बारे में जानिए क्या होता है। बेसिकली ये डेटा सिलेक्ट करने का काम आता है। मान लीजिए कि मैंने कहीं कहीं पे ब्लैंक लिख रखा है तो आपको ब्लैंक सिलेक्ट करना है। तो एक एक करके आप अगर इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से तो काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं वन बाय वन सिलेक्ट ना करके मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक जितना ब्लैंक है वो सिलेक्ट हो जाए। तो डेटा को सिलेक्ट कीजिए, हालांकि डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बना सिलेक्ट भी कर सकते हैं। गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहां ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपका जो ब्लैंक है ब्लैंक सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, अब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो सिर्फ इसमें जो है टाइप हुआ, फिर कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारूंगा तो जितना सिलेक्टेड है सब पे कॉपी पेस्ट कर देगा। तो कंट्रोल एंटर क्या फंडा है इसको एक बार जान लिया। जैसे हमने एक एरिया को सिलेक्ट किया तो सिलेक्शन के अंदर भी आप जो है टाइप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल एंटर मारोगे तो नीचे की तरफ या जो भी नेक्स्ट सिलेक्टेड सेल है उसके तरफ चला जाता है। यहां पे मैं सिलेक्शन की जगह पे कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर टाइप करते समय कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए तो कॉपी करके जितना सिलेक्टेड है उस पर पेस्ट कर देता है। तो बैक टू सिलेक्शन, हम सिलेक्शन पे वापस आते हैं। सिलेक्शन में वापस आने के बाद मान लीजिए कि कहीं कहीं पे मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं कहीं कहीं फॉर्मूला लगा है, अब मुझे फॉर्मूले वाले सेल को हाईलाइट करना है या कलर करना है। तो आप वो एक एक जाके चेक करोगे कहाँ पे फॉर्मूला लगा है तो पता चलेगा, ऐसे तो पता चलने वाला है नहीं। तो यहां हम फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल में आते हैं और गो टू स्पेशल में देखिए यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, और फॉर्मूला में आप इसको ओके कर दीजिए तो जितने फॉर्मूले वाले सेल है वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फॉर्मूले वाले सेल सारे के सारे आपको सिलेक्ट कर दिया है। अब इस पर कलर करना है, कुछ और करना है, कर ले। अब मान लीजिए फॉर्मूला ही है तो कुछ फॉर्मूले में एरर है या कुछ फॉर्मूले में रिजल्ट ट्रू दिया हुआ है, तो आप जो है फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर में गो टू स्पेशल में जब फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे या ऑप्शंस है कि कौन से रिजल्ट वाले फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, जिसका रिजल्ट टेक्स्ट है या ट्रू फॉल्स है या एरर है। तो अगर मान लीजिए कि मैं नंबर हटा देता हूँ, टेक्स्ट हटा देता हूँ, लॉजिकल और एरर छोड़ देता हूँ तो ट्रू और ए वाली एरर जो है वो सिलेक्ट करेगा। उसी तरह से यहाँ पे आप जो है शॉर्ट फाइन शॉर्ट में गो टू स्पेशल में आप यहाँ कंटेंट्स मतलब हुआ कि फॉर्मूला के अलावा जो मैनुअली टाइप है उसको हाईलाइट करना, ओके जो फॉर्मूला के है उसको हाईलाइट करना। जैसे कि नंबर वाले जितने भी है उनको हाईलाइट सिलेक्ट करना है या टेक्स्ट वाले या लॉजिकल वाले। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। फॉर्मूले के बगैर जो है उसको हाईलाइट करेगा, नहीं है नहीं होगा तो दिखा दे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो ब्लैंक बात कर दी, करेंट रीजन आप जो कंट्रोल ए करते हैं करेंट रीजन को सिलेक्ट करता है। अब बात करते हैं इसमें आता है करेंट एरे। आप करेंट एरे सिलेक्ट करते हैं आपका नो फॉन्ड आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने एरे इस्तेमाल नहीं किया। एरे जिसमें वो आगे चल के सीखेंगे जिस फॉर्मूले में कर्ली ब्रैकेट लगा होता है, कर्ली ब्रैकेट वाला जो फॉर्मूला होता है वो हाईलाइट वो आपका एरे कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पे गया और मैं देखूँ भाई एरे कहाँ कहाँ है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एरे से।
माफ कीजिए, इससे प्रोग्रामिंग लगा हुआ है कि डबल क्लिक करने पे न्यू दिल्ली टाइप हो जाएगा, तो गलती है। इसके बाद इसमें अगर हम गो टू स्पेशल में आते हैं तो ऑब्जेक्ट जैसे बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह है उसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका होता है रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रिडिक्स, इसी तरह यूज किया जाता है। इस चीज आगे बताऊंगा। लास्ट सेल को सिलेक्ट करेगा, विजुअल सेल्स ओनली या कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। विजुअल सेल्स को एक बार मैं बताता हूँ अलग से आपको, कि मान लीजिए कि आप फिल्टर लगाते हैं, मान लीजिए कि इसमें से हम जो है राइट क्लिक करके हाइड कर देते, हाइड कर दिए। अब मान लीजिए मैं इसको कॉपी करता हूं तो ये पीछे का डेटा भी पेस्ट कर देगा, इसलिए हम जो है यहां इसको कॉपी पेस्ट करने से पहले कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में जाएंगे तो कंट्रोल जी से भी आप फाइनल सिलेक्ट के गो टू स्पेशल पे आ सकते हैं, और यहां हम देंगे विजुअल सेल्स ओनली, तो जो सेल विजुअल है उसी को सिलेक्ट करेगा एंड कॉपी करके पेस्ट करेगा, जो पीछे का सेल है जो हिडन सेल है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। ते थी गो टू स्पेशल। आई थिंक आप समझा नहीं सर, क्या ये वापस बताएंगे क्या, समझा नहीं मुझे। ये जो था विजुअल सेल्स वाली, हाँ हाँ देखिए यहाँ पे आप दिख रहे हैं, मैंने कुछ कॉलम हाइड किए हुए हैं, कुछ रो हाइड, हाँ, राइट, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इसको नॉर्मल कॉपी करेंगे ना, पेस्ट करेंगे तो पूरा पेस्ट होगा, जो हिडन हाँ। है वो भी कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। ओके लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं जो हिडन है वो पेस्ट ना हो, जो है वो पेस्ट हो। जैसे कि अगर आप आगे चल के फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो फिल्टर इस्तेमाल करेंगे, एक मिनट में फिल्टर वाला कोई फाइल में है नहीं है, कोई डेटा वाली फाइल ओपन करता हूँ मैं, तो यहां मैंने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगा के हमने यहां पे ऑनलाइन क्लास सिलेक्ट कर लिया, तो यहां अब जो है सिर्फ ऑनलाइन का डेटा दिख रहा है, बाकी डेटा नहीं दिखेगा। ऑनलाइन में भी हम देख रहे हैं कि यहां हम सिर्फ कविता का डेटा देख रहे हैं, तो ऑनलाइन में भी कविता का डेटा दिख रहा है, उसमें भी मैं प्रोडक्ट में मात्र डीवीडी और रैम को सिलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे प्रोडक्ट डीवीडी और रैम दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मंथ जो है हम यहाँ हमने जैन सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ आप जैन का डेटा आ रहा है। तो जो मुझे चाहिए कि ऑनलाइन में कविता डीवीडी और रैम जनवरी महीने की डेटा हमने बड़े डेटा से फिल्टर कर लिया, ठीक है। अब मुझे अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे रो हाइड है, फिल्टर 1 है 2 है, 2 के बाद 202 है सर, उसके बाद 212 है, 252303 है। तो जब हम कॉपी ऐसे जनरली तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा डेटा सिलेक्ट होकर कॉपी अभी जिस तरह इससे सिलेक्ट हो रहा है ना, पीछे का डेटा जो है वो भी कॉपी होकर पेस्ट हो जाता है। इसलिए सिलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गो टू स्पेशल में विजुअल सेल्स लेते हैं, ताकि हम इंश्योर हो जाते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो सिर्फ हमारा विजुअल सेल सिलेक्शन है, हमारा बैकग्राउंड का सेल सिलेक्शन नहीं है, और कॉपी करके हम इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं।
सर इसका एक ये भी है ना शॉर्टकट भी है ना कंट्रोल जी ऑल्ट सेमीकोलन भी होता है ना सर जी हाँ हो सकता है मैम शॉर्टकट पे मैं ज़्यादा अब भी बात कर पाऊंगा क्योंकि ओके ओके सालों से मैं शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा हूँ ओके ओके यूज करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि मैंने क्या यूज किया हाँ हाँ रे सर ओके ठीक है सर वो उधर नोट्स भी है गो टू सेशन में वो क्या है फिर उसमें नोट्स नोट्स का भी कुछ था ना उसमें पहला जो है ना सर नोट्स नोट्स है आप कमेंट देते हो ना वो कमेंट को सिलेक्ट करेगा सर ओके ओके ठीक है चलिए तो गो टू स्पेशन हमने आपके साथ डिस्कस किया और जो YouTube पे हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले जहां पे आपको मेरी पूरी सीक्वेंस वीडियोस मिलेगी और किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे साथ WhatsApp पे या फिर मेरे ऐप के चैट पे मुझसे बातचीत कर सकते हैं थैंक यू